बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरब जम न्यूज़। सऊदी अरब में पुलिस ने मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद गदागरी मुहिम तेज़ कर दी है। रमज़ान के दौरान गदागर बड़ी तादाद में मसाजिद, चौराहों और पब्लिक मकामात पर नज़र आ रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकारों ने जिद्दा में इंसदाद गदागरी मुहिम के दौरान मुतअद्दिद गदागरों को गिरफ्तार किया है। बाज़ गदागर अपने माजूर बच्चों के साथ लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA और अल इक्तसादिया के मुताबिक महकमा अमन एमा ने बयान में कहा कि एक मकामी शहरी को एक दुकान के पास गिरफ्तार किया गया जो भीख मांग रहा था। दो यमनी खवातीन को एक तजारती मरकज के सामने गाड़ियों के ड्राइवरों से भीख मांगते हुए पकड़ा गया। सोमालिया की दो और एथोपिया की एक खातून को भी हिरासत में लिया गया है। यमन की एक खातून को उस वक़्त पकड़ा गया जब वो अपनी मजदूर बच्ची को आगे रख कर लोगों की हमदर्दियां हासिल करते हुए भीख मांग रही थी। एक मिस्री खातून को भीख मांगने के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों को देखकर फरार की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया। चाड की कई खवातीन एक तजारती मरकज के सामने भीख मांगते हुए पकड़ी गई हैं। महकमा अमन एमा ने मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि जहां भी इन्हें गदागर नज़र आएँ पहली फुर्सत में राबता करके इतला दें। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।